छुपी है तो माने डॉक्टर साहब शोषण कर रहे हैं आप लोग का। हमारा रोगी नहीं छोड़ता है, बोलता है कि 1.5 लाख रुपया लाभ तो हम छोड़ेंगे नहीं तो नहीं छोड़ेंगे रोगी। हमारा लड़की जब मर जाएगी तो हम किसके पास जाएंगे। अच्छा मान लीजिए आपके साथ इस प्रकार घटना घट रही है, आपके पास पैसा है देने के लिए डॉक्टर साहब? नहीं हमारे पास नहीं। क्या होगा, किसके माने कोई है मदद करने वाला, कहीं जाने वाले हैं? जीवन बाबू के सामने जाएंगे। जीवन बाबू को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? वो सिवान में बताए हैं। हाँ क्या उनसे क्या चाहते हैं बोलिए उनसे। हम उनसे चाहते हैं कि जब हमारा बेटी वो मर जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, हमको कौन देखते हैं? हाँ। है तो हम जीवन बाबू के पास जाएंगे तो हमारा को कुछ सहारा देंगे, मदद देंगे, हमारे लड़की के निकाल देंगे वहाँ से। हम पैसा कहाँ से लेंगे बनिहारा आदमी, किसी से 10-50 मांग के हम सिवान में आते हैं तो उसको डॉक्टर के कहाँ से देंगे? नहीं हमारा बेटा है, नहीं पति है, वही एक लड़की है, हम कहाँ से किसके पास जाएंगे? माने आपको लगता है कि जीवन यात्रा जबकि बात आपका समस्या दूर कर देंगे? हाँ करेंगे। कर देंगे? हाँ करेंगे। पूरा उम्मीद है? उम्मीद है। हाँ उन्हीं पर हमारा उम्मीद है। और आपका नाम ले लेकर रो रही थी कि हम जीवन बाबू के पास जाएंगे, जीवन बाबू से हम बात करेंगे, हम उनको भरोसा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? कहना तो यही चाहेंगे कि महिला न्यूज के माध्यम से सुने थे, हम अपने लोगों को भेजें, पटना थे भेजे हैं, बात हुआ डॉक्टर से हमारा, डॉक्टर को समझाएं लूटना है लेकिन वैसे ही लूटिए जैसे लोग गरीब को भी पहचानना चाहिए। 1,55,000-50,000 रुपया ब्रेन हेमरेज में हार्ट अटैक में लगता है, 10,000 रुपया लगता है डिलीवरी कराने में। वो महिला का जो टाका आप नहीं लगा रहे हैं पैसा के लिए गलत बात है। जो भी महिला बोली हम डॉक्टर से बोले डॉक्टर अपनी बात रखें, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो दोनों सुन के यही लगा कभी इलाज जरूरी है। हमने डॉक्टर से कहा कि आप उनका इलाज कराइए, इलाज करके उनको डिस्चार्ज कर उनको घर बजाते भेजिए, हम आते हैं तब। इन दिनों सिवान में एक डिलीवरी के नाम पर स्कैम चल रहा है जिसमें सदर अस्पताल में अगर आप किसी मरीज को लाते हैं तो वहाँ पर आशाओं के द्वारा उन्हें बहला फुसला कर प्राइवेट क्लिनिक में ले जाया जा सकता है। ये अभी दो महिला हमें मिली है गांधी मैदान के समीप, इनका दुख दर्द सुनिए और जानिए कि क्या इनके साथ गुजरा है, इनके परिवार वालों के साथ क्या हुआ है आपके साथ। हमारा के सदर अस्पताल में से क्या नाम है पहले बताइए आपका? चांदकली देवी। कहाँ घर है? मुसेहारी। हाँ क्या हुआ है आपके साथ? हमारा साथ हम लेके अपने पतोह के सदर अस्पताल में इलाज कराए खातिर, वजह से आशा भारती उनका नाम है, हमारा के बहका के लेके चल अभी आए डॉक्टर के लगे लिया के हमरा हम कहीं हमारा नॉर्मल बच्चा हो खाओ के बाद तो वो कहत अरे कि जे ना बचदानी के मुँह छोट बा नॉर्मल बच्चा ना हो, जब हो तो ऑपरेशन से हो। हम कहूँ जो हमारा ऑपरेशन से नहीं है उखाओ के, जब हम संगीता चौधरी के लगे जब हम देखौल रही तो हम वही जा लेके जाए, लेकिन कहत रहे डॉक्टर पूछुन जे के एम के गार्जियन बा आरती के, हम कहूँ जो गार्जियन तो हम ही बानी आ तो साथे मरद कोई हम मरद हमारा साथे कोई नहीं है हम ही बानी आ तो आरती तो ऑपरेशन करे के पड़ी। हम कहूँ जो ना हमारा ऑपरेशन ना चाहिए, हम नॉर्मल खाती आई नहीं हम, लेकिन हमारा ऑपरेशन नहीं है करे के, एजा से हम उठल बानी गल बानी संगीता चौधरी के लगे। हम जाके वो डॉक्टर से हम बात कह के आ हम आवत आनी कहत आनी कि ना हम अपनों जे लेके जाए तले हमारा पतोह के पेट खोल दे अनुमति के। हाँ बिना हम साइन ठेपा कुछ नहीं की कैले हमारे पतोह के लिए पेट खोल 8 दिन पर टाका काट दे हुए लोग कहले सुनले टाका काट दे हुए ओह दिन से हमारा पतोह के टाका वो का नहीं खेलो डालत आ कहत अटल जो 1.5 लाख रुपया दो तो हम टाका डालें आ ना तो ना 3 दिन से ना कोई ड्रेसिंग भइल बा आ ना एक पैसा के केहू दवाई दिले बा। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं सोनू देव, आप देख रहे हैं सीसीटीवी न्यूज चैनल और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कुछ दिन पहले एक महिला गांधी मैदान में काफ़ी रो रही थी, बिलख रही थी, बोले थे कि मेरे बेटी का लाइफ बर्बाद हो गया, मेरी बेटी एक ही है, फिर उसका सासू माँ कह रही थी कि हमारा पतोह का पेट चिर दिया, टाका नहीं बांध रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा मांग रहा है। जब हम लोग देखे उसको वहाँ पर पहुँचे मिले तो देख रहे थे कि वो बोल रहे थे कि काफ़ी परेशान है, डॉक्टर जो है बहुत ज़्यादा पैसा है, 1.5 लाख रुपया बिल बना दिया, हम लोग क्या करें। और आपका नाम ले लेकर रो रही थी कि हम जीवन बाबू के पास जाएंगे, जीवन बाबू से हम बात करेंगे, हम उनको भरोसा है। इस पर क्या कुछ कहना चाहिएगा? कहना तो यही चाहेंगे कि महिला न्यूज़ के माध्यम से सुने थे, हम अपने लोगों को भेजें, पटना थे भेजे हैं, बात हुआ डॉक्टर से हमारा, डॉक्टर को समझाएं लूटना है लेकिन वैसे ही लूटिए जैसे लोग गरीब को भी पहचानना चाहिए। 1,55,000-50,000 रुपया ब्रेन हेमरेज में हार्ट अटैक में लगता है, 10,000 रुपया लगता है डिलीवरी कराने में। वो महिला का जो टाका आप नहीं लगा रहे हैं पैसा के लिए गलत बात है। जो भी महिला बोली हम डॉक्टर से बोले डॉक्टर अपनी बात रखें, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो दोनों सुन के यही लगा कभी इलाज जरूरी है। हमने डॉक्टर से कहा कि आप उनका इलाज कराइए, इलाज करके उनको डिस्चार्ज कर उनको घर बजाते भेजिए,
हम आते हैं तो आपसे मिलते हैं। लेकिन महिला का इलाज हो गया, वो स्वस्थ है, अपने सकुशल डिस्चार्ज भी हो गई, शायद घर है अभी। अच्छा, कई बार हम लोग जब गांव देहात में जाते हैं या किसी भी क्षेत्र में जाते हैं सिवान के इर्द गिर्द, तो वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे लीडर्स के बारे में बात होता है, वहाँ के क्षेत्रीय नेता के बारे में बात होता है, लेकिन एक शब्द आपका नाम वहाँ पर जरूर मेंशन होता है, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए कि किस तरह से असर हो रहा है? क्या आपके पॉजिटिव वर्गों का असर हो रहा है या जो मीडिया में छाए रहते हैं बने रहते हैं उसके लिए उसको देखकर असर हो रहा है? मीडिया में बनने के लिए तो एक किले पर 6 फोटो खिंचवाने नेता भी बदावा बैंक की तरह आइए गए लोग, तो वो लोग भी तो मीडिया में, हम भी मीडिया में, तो हम कामवा करते हैं, कामवा बोलता है तब ना लोग चर्चा करते हैं। हम नेता नहीं हैं, हम बेटा हैं, और समाज का सेवा करना मेरा धर्म है ये मान के हम काम करते हैं, क्योंकि भगवान ने अगर हमको सक्षम बनाया है तो हम किसी की मदद ना कर सके तो हमारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो काम बोलता है। मीडिया में आना और नहीं आने से नहीं, मीडिया में नहीं आएंगे तब भी लोग हमारा चर्चा करेंगे। अच्छा, 2024 में जिस प्रकार राजनीति एक अलग ही रुख ले रही है, माहौल बना रही है, अलग अलग प्रदेश अध्यक्ष से लेके जिला अध्यक्ष से लेके तेजी से जहाँ तहाँ आना जाना लगा हुआ रहता है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहिए भाई? तो हमारा देश का सौभाग्य है कि 5 साल चुनाव, 4 साल कोई दिखता नहीं है, 4.5 साल नहीं देते, जैसे 6 महीने चुनाव होता तो लोग भरा हुआ बैंक की तरह लगते हैं, पैंक 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 कागज मार्केट में करने, एक एक केला पर 6-6 को लोग फोटो खिंचवाने लगते हैं कि हम एगो केला दान किए हैं, हम इनको ये किए हैं, हम उनको वो किए हैं, 4 साल दिखबे नहीं करते हैं। तो ऐसे नेता बहुत हैं, वैसा राजनीति नहीं करना चाहिए। अरे राजनीति कीजिए, कुर्सी मिले तो सेवा कीजिए, क्योंकि ऊपर लेके ना आपको कुर्सी जाना है ना धन लेके जाना है, ऊपर जाएगा तो आपके नामे जाएगा, काम ऐसा काहे करे कि जाने के बाद लोग गाड़ी दें, कुर्सी पर बैठ के इंसाफ कीजिए, सेवा कीजिए, शायद आपको चुनाव में एक किले पर फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ी 6 आदमी को, लोग जान जाएंगे कि आप कितना सेवा करते हैं और कितना सेवा दिखावा करते हैं। हम सेवा करते हैं कि दिखावा करते हैं जनता बताएगी, हम नहीं, उसी तरह उनके बारे में भी जनता बताएगी, वो नहीं। अच्छा, एक प्रश्न और लास्ट पूछना चाहेंगे कि आप बोले थे कि सिवान को गोरखपुर हम बना देंगे, लेकिन सिवान में अभी तक गोरखपुर का कौन सा पार्ट? ध्यान से आप मेरी बातों को नहीं समझ, सिवान को गोरखपुर की तरह बना देंगे, गोरखपुर नहीं बना देंगे, गोरखपुर की तरह, गोरखपुर के सिमिलर में, जैसे काम पे व्यवस्थाएं अच्छी हो, साफ़ सफाई, नगर परिषद जो काम है चल रहा है कि नहीं, साफ़ सफाई होना चाहिए, रोड नाला बढ़िया होना चाहिए। इस बार बारिश हुआ कहाँ पानी लगा था, अब पूरे शहर में थोड़ा बहुत कहीं पानी लग गया तो उसको भी उठा के चलाया गया है, अब पूरा 25 साल से डूबा हुआ था सीमांत तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ना कहा जाता पूरा काम हो गया, कहीं छिछित फिर पानी आ गया तो उसको दिखाया गया कि पानी लग गया। अरे भाई, धरती है, कहीं खाल है, कहीं ऊँच है, तो पानी हल्का तो कहीं ना कहीं लगेगा, लेकिन 25 साल का कचरा तो इसी साल निकला है ना, रात रात भर 1.5 महीना काम चला, 1 महीना काम चला, जेसीबी 7-7 को जेसीबी रात भर खटी है, तब ना नगर परिषद का सारा नाला साफ हुआ है, तब ना आज सिवान में बारिश होने के बावजूद भी कहीं पानी नहीं लग रहा है, कोई परेशानी में नहीं है। तो ये है काम, इसी तरह बनता है गोरखपुर, जब सफाई होगी, सुंदर लाइट लगेगा। अब सिवान को हम बोल दिए अभी है कि पूरे सिवान डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बड़ा लाइट लगेगा, जिधर जाइएगा रात को अंजोरे मिलेगा। बहुत जल्द इस काम पे हम लोग बैठक कर रहे हैं कि इस काम को किया जाए, अभी ये भी होने के बाद ही हम मीडिया में आते, लेकिन सोचे कि आपको बता दे कि लोगों में हुदबुदी हो जाए जो मेरे विरोधी है कि भाई ये कैसे होगा। लोगों में तो सर ये भी हुदबुदी है कि 2024 के चुनाव में ये आएंगे कि क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे क्या करेंगे। देखिए, हमने बोला था कि जहां जनता की चाह वही जीवन यदो की राह, ये मेरा स्लोगन है, जनता जो चाहेगी वही होगा, जनता चाहिए तो हम काम कर रहे हैं, जनता चाहेगी तो हम आगे भी काम करेंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद।